দিনের পর দিন ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার শিকার হতে হয়েছে সন্দেশখালীর মহিলাদের। 19 ফেব্রুয়ারি রাজ্যে সন্দেশখালীতে মহিলাদের নির্যাতন ও অত্যাচারের অভিযোগ দেখতে সন্দেশখালী পৌঁছালেন জাতীয় মহিলা কমিশনার চেয়ারপারসন রেখা শর্মা। যদিও এর আগেও জাতীয় মহিলা কমিশনের দুজন প্রতিনিধি সন্দেশখালীতে কথা বলেন সন্দেশখালীর মহিলাদের সঙ্গে এবং তারা দিল্লি ফিরে গিয়ে কমিশনের রিপোর্ট জমা করেন। সেই তথ্য উদ্ঘাটনের উদ্দেশ্যেই দুদিনের রাজ্য সফরে সন্দেশখালী কাণ্ডের তদন্তে এসেছেন জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন রেখা শর্মা। সন্দেশখালী পৌঁছে তিনি জানান নির্যাতিতা মহিলাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে কথা বলবেন মহিলাদের সঙ্গে এবং তিনি এও জানান সমস্ত ভয় মন থেকে বের করে যদি সেই মহিলারা সামনে এসে অভিযোগ তুলে ধরেন তবে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কিছু করা সম্ভব। लेकिन उनके मन में अभी डर है, हम लोग 2-3 दिन से यहाँ पर, डर निकालना पड़ेगा, वो डर निकालना पड़ेगा। और देखिए डर के आगे जीत है जो बोलते हैं, अगर वो डरेंगे नहीं तभी हम कुछ कर पाएंगे। एक बार वो बात कर ले और फिर बाकी काम हमारा है। पुलिस से भी मैं बात करूंगी क्योंकि जब तक कल्प्रिट नहीं पकड़ा जाता ये लोग डरे रहेंगे और अगर पुलिस उसको अरेस्ट करती है तो मुझे लगता है बहुत सारी महिलाएं आगे आएंगी और बात करेंगी। इनका ये भी एक सवाल है, इनका ये कहना है कि अभी तो सब हमारी तरफ देख रहे हैं लेकिन कुछ वक्त के बाद क्या उसी तरीके से हमारा ध्यान रखा जाएगा जिस तरह से आज रखा जा रहा है? बिल्कुल रखा जाएगा, अब उनको विश्वास करना पड़ेगा। एक बार तो विश्वास करके आगे आए और हम लोग उनके साथ है, राष्ट्रीय महिला आयोग है, किस लिए महिलाओं के साथ है और महिलाओं को आगे आना होगा, बात करनी होगी। अब मैं इसी उससे आई हूँ कि आप डरे नहीं और मुझसे आके बात करें। मैं पूरा दिन यही हूँ, हर घर में जाऊँगी, चाहूँगी कि वो मेरे हमसे बात करें, टीम से बात करें और हम उन सारी कंप्लेंट्स पे जो भी आगे आएगा उन पे काम करेंगे। मैम, डीजी को जब सवाल पूछा गया, डीजी राजीव कुमार ने ये बताया कि एक महिला है जिसका जो आई ना, अभी तक तो एक भी नहीं आ रही थी, अब एक महिला तो आई और वो भी कोर्ट में गई है क्योंकि पुलिस कुछ नहीं करती है, इसीलिए कोर्ट में जा रही हैं महिलाएं ताकि कोर्ट में कुछ तो करेगी, पुलिस कुछ नहीं करती है। और जब महिलाएं आगे जाती हैं तो उन्हीं के जो रिश्तेदार हैं उन्हीं को अरेस्ट कर लेती है पुलिस, और ये पहली बार नहीं है। मैं बहुत बार आ चुकी हूँ, हर इलेक्शन के बाद जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं आपने देखा है, हर इलेक्शन के बाद किस तरह से महिलाओं को टारगेट किया जाता है ऑपोजिशन पार्टीज की महिलाओं को, और हर बार यही होता है कि पुलिस कुछ नहीं करती है, हाथ पे हाथ, कोई मर्डर हो कोई रेप हो पुलिस कुछ नहीं करती, उल्टा उन्हीं के ऊपर चार्जेस लगाकर। और ये यहाँ की बात नहीं है, एक संदेशखाली की बात नहीं है, पूरे वेस्ट बंगाल में यही हाल है। उत्तर 24 परगना थेके निजस्व प्रतिनिधि रिपोर्ट, टीवी न्यूज 10। সুলভে সঠিক চিকিৎসার একমাত্র প্রতিষ্ঠান বিবেকানন্দ হসপিটাল, 24 ঘন্টা ইমার্জেন্সি সার্ভিস, ব্লাড ব্যাংক, ট্রমা কেয়ার, আপনাদের সেবায় আমরা তৎপর। গুণমান ও পরিষেবায় দুর্গাপুর বিধাননগরের ডক্টর জাকির হোসেন এভিনিউর বিবেকানন্দ হসপিটাল শিল্পাঞ্চলের মানুষের মন জয় করেছে। সবার আগে খবরের আপডেট পাওয়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল এবং ক্লিক করুন বেল নোটিফিকেশন আইকনে।